Nè. हाँ मेडिबू और करीना दोनों बिल्कुल ठीक है। इमोशनल क्या हो गया? श्वेता जो काम श्वेता इतने साल में नहीं क्या चल रहा है आज एक इमोशनल सीन देखने मिला आपके और दादी के बीच में। जी हाँ, आज
दादी की जैसे कि आपने देखा तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्हें मैं दवाई देने जाती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, और उसी दौरान हमारी बातचीत होती है, दादी अपनी स्टोरी बताती है, तो बस वही कुछ सीन था। अच्छा, आज दादी को मतलब थोड़ा सा दादी खुश भी नजर आई उस बात से, आप इतना केयर कर रहे थे उनकी, इतनी मतलब आज उनको इतना केयर करके इतना दिखा रहे थे, तो क्या कुछ लगता है कि अपनी की तरफ से क्या दादी की फीलिंग्स चेंज होगी या फिर दादी किस तरह से देखोगे अब आप दादी? दादी और मेरे बीच में हमेशा से अच्छी ट्यूनिंग रही है, और दादी हमेशा से मुझे पसंद करती हैं, और कुछ भी मैं उनके लिए करती हूँ उन्हें उससे अच्छा ही लगता है और अच्छा लगता है। सो अम्मी को भी खुशी मिलती है क्योंकि उसे दादी का प्यार नहीं मिला, और जब वो अम्मी को उनका प्यार मिलता है तब अम्मी इमोशनल हो जाती है, और वो भी उसी तरह से अम्मी का प्यार देती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नील ने कहा था कि उसको आप अपनी दादी की तरह ही उन्हें माना करें, तो वो बात कहीं ना कहीं सच होती नज़र आए, आपकी देखने को मिलने वाला है क्या वो उसको? हाँ, आई थिंक अभी अपनी बेबे को एकदम अपनी दादी की तरह ही ख्याल रखती है, उनका उसी तरह से उनको मानती है, और उसी तरह से उनसे बातें करती है, जैसे कि आज हो रहा था, जैसे वो अपनी स्टोरीज बताई थी, मैं सुन रही थी, मैं उन्हें समझा रही थी, दवाई दे रही थी, तो या तो अम्मी करीना बाथरूम में फंस जाती है, क्या कुछ होता है? हाँ, वो बाथरूम में फंस जाती है, लाइट चली जाती है, और वो डर जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कैरेक्टर वैसे है कि वो बहुत डरपोक है, उसके साथ इतना कुछ हुआ है बचपन में जो आपको आगे पता चलेगा, सो उसकी वजह से वो बहुत डरती है इन सब चीज़ों से, और वो बहुत हाइपर हो गई कि अब बाथरूम से कैसे बाहर निकले, तो वही मैं गई है बचाने के लिए, है ना, मैं गई ही उसे बचाने के लिए, मैं भाग कर आई, मैंने आवाज़ें सुनी कि कुछ तो शोर शराबा हो रहा है घर में, क्या हो रहा है, हमें भागी देखा तो वो कि कहीं ना बाथरूम में है, और सब इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मुझे याद आता है कि जिस तरह से नील ने मुझे बताया था कि कैसे ब्रीदिंग लो और इनहेल एक्सहेल करो और अपने आप को काम डाउन करो और फिर चीज़ों को ना सॉल्व करो, उसी तरह से मैंने वही अपनी ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप काफ़ी हाई ड्रामा भी हमें देखने मिला है नामकरण में, सुपर वुमन तो बनी गई है कहीं ना कहीं? यस, और ये मेरा सुपर वुमन बनने का ड्रीम भी पूरा हो गया, मैं एकदम दयावंती के साथ में जाती हूँ और उसे मारने के लिए चली जाती हूँ। लास्टली जानना चाहेंगे बाथरूम में कैसे फंसी? बाथरूम में कहीं ना कैसे फंसी वो अम्मी को नहीं पता कि कैसे फंस गई वो, बट जब अम्मी जाती है देखती है तो वो बाथरूम में ऑलरेडी फंसी भी होती है। सो या